हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ बेसिक्स हम सीए इंटरमीडिएट का जो कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है इसमें कंपनीज एक्ट जो आपके सिक्सटी मार्क्स के सिलेबस का पार्ट रहेगा उसके लिए कुछ बेसिक्स बेसिक लेक्चर्स बेसिक देख रहे हैं ये बेसिक्स इस तरीके से आपको सिखाए जाएंगे या इनका पर्पज है कि आप कुछ सर्टन बेसिक कंसेप्ट के साथ अवेयर रहो जो आपको थ्रू आउट द सिलेबस काम आने वाली है इन बेसिक सेशन में हमने पहले सबसे पहले सेशन में डिस्कस किया था कि लॉ एग्जैक्टली exactly किन किन चीजों से बनता है तो बेसिक एक्ट रहेगा रूल्स अमेंडमेंट्स उसमें होते रहते हैं जो भी हमें हमारे भी सिलेबस में ऐसे सर्टन अमेंडमेंट्स आते हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे फिर उसके अलावा जुडिशियल डिसीजन होते हैं सर्कुलर और नोटिफिकेशन भी रहेंगे फिर कंपनीज एक्ट का जो हमें एप्लीकेबल सिलेबस है जिसमें दस चैप्टर्स याद रखना ये जो यहाँ पे लिखा है चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री ये बुक के चैप्टर के हिसाब से नहीं ये कंपनीज एक्ट के अंदर जैसे एक्ट में होता है चैप्टर्स चैप्टर्स में फिर सेक्शंस सब सेक्शन एक्सेट्रा तो कौन से चैप्टर में कितने और कौन से सेक्शन है उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया हुआ है और याद रखना जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा स्पेशली आफ्टर सेकेंड यूनिट सेकेंड थर्ड यूनिट जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम हर यूनिट के साथ जितने भी सेक्शंस हमने उस यूनिट में पढ़े हैं उनको हम सीरियल नंबर्स उसके कंटेंट्स के साथ सेक्शंस के साथ सीखने की कोशिश करेंगे और रिवाइज करेंगे सो so दैट हम उनको लर्न कर पाए बिकॉज अगर आंसर्स में हम सेक्शंस लिखते हैं सही सेक्शन तो उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट होता है फिर आगे हमको यह देखना था कि कंपनीज एक्ट देखने के पहले हमें यह देखना जरूरी था कि ज्वाइंट स्टॉक एज एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली कैसे बना है क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था वो सब हम देख रहे थे जिसमें हमने देखा कि बेसिकली जब लार्ज स्केल पे बिजनेस करने की बात आई तो सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप ये सारे मॉडल सुटेबल नहीं थे बहुत सारे कैपिटल की जरूरत थी अब कैपिटल ज्यादा चाहिए तो ओनर्स भी ज्यादा होंगे बट सारे ओनर बिजनेस नहीं चला पाते इसीलिए किसी ने पहली बार वो आइडिया ढूंढा और जैसे कि मैंने बोला बहुत ही यूनिक है बिकॉज बिजनेस का स्ट्रक्चर बदल गया ऐसा नहीं कि एक जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड उस एक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बिजनेस का स्ट्रक्चर ही बदल गया और वो था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट जहां ओनर्स शेयर होल्डर है और मैनेजमेंट का काम कंपनी के डायरेक्टर्स करेंगे पर उनके ऊपर वॉच हो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 रहेगा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड रहे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया और ये उसके डेफिनेशन में ही क्लियर हो जाता है कि सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में क्लियरली बोला है कि कंपनी मतलब कोई भी ऐसी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या तो इस एक्ट के अंदर या तो प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर बट ये एक्ट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट होगी मतलब रजिस्ट्रेशन से ही बनेगी और हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्ट्रेशन से बनती है उनको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट अब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है दुनिया का कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो उसके साथ हमेशा से एक फीचर रहेगा और वो है सेपरेट लीगल एंटिटी कि वो ऑर्गेनाइजेशन अलग है और उसके ओनर्स अलग अब वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक एंटिटी है कि वो एक अपने आप में एक पर्सन है बट पर वो पर्सन जो है वो नेचुरल नहीं है आर्टिफिशियल है अब इसीलिए फिर अगला फीचर था आर्टिफिशियल फिर आर्टिफिशियल पर्सन सिग्नेचर्स नहीं कर सकता तो उसके लिए कॉमन सील हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में 2015 में अमेंडमेंट ला ये क्लियर किया गया कि अब कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है देन लाइबिलिटी इसके ऊपर हमने पिछले सेशन में काफी ज्यादा डिस्कशन किया था कि लाइबिलिटी यूजुअली एज अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम हमेशा देखते हैं कंपनी के साथ लिखा होता कि है कि लाइबिलिटी लिमिटेड है बट एक्ट क्या क्या अलाउ करता है वो सारे ऑप्शन हमने कल एक्सप्लोर करके देखे कि कंपनी लिमिटेड हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है लिमिटेड अगर है तो उसमें भी लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी फिर उसमें बेसिक वरायटी हमने कवर की

उसके ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ा जा सकता और उसके लिए जो सबसे पहला लैंडमार्क केस जो इसमें आया था वो था सोलोमन सोलोमन एंड कंपनी सोलोमन जो एक बूट मैन्युफैक्चरर था उसने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा जिसके बदले उसको शेयर्स मिले कैश मिला डिबेंचर्स मिले फिर ओवर द पीरियड वो खुद ही मेजोरिटी शेयर उसके पास थे ओवर द पीरियड बिजनेस रजिस्ट्रेशन की वजह से वो बिजनेस बंद करना पड़ा बंद किया तो असेट सेल करके सिर्फ सिक्स थाउजेंड पाउंड बचे थे जबकि उसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब वो डिवेंचर खुद सोलोमन के टेन थाउजेंड पाउंड के थे और अदर जो थे उनका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का सेवन थाउजेंड पाउंड का था तो जो क्रेडिटर्स थे उनका बोलना यह था कि ये पैसे भले ही नॉर्मल लीगल सिक्वेंस क्या है कि क्रेडिटर को पहले मिलेगा उसमें भी सिक्योर्ड को पहले अनसिक्योर्ड को बाद में बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ये कंटेंशन था कि क्योंकि ये सिक्योर्ड क्रेडिटर खुद सोलोमन ही है और उसी के सब ये किया धरा है या वही पर्सन है जो कंपनी चला रहा है तो उसको ये पैसे नहीं मिलने चाहिए और ये पैसे मिलने चाहिए डायरेक्टली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बट कंपनी कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूव हुआ या उनका ये जस्टिफिकेशन रहा कि कंपनी अलग है और सोलोमन अलग है कंपनी के काम के लिए सोलोमन को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कॉरपोरेट वेल या सिंपल वर्ड में सेपरेट लीगल एंटिटी बट सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉर्पोरेट वेल well का अगर कोई मिसयूज करेगा कोई भी पर्सन अगर इस कंसेप्ट का मिसयूज करता है तो फिर कोर्ट ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेगा कोर्ट ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट ना हो बिकॉज अगर उस कंसेप्ट का किसी भी चीज का इनजस्टिस हो किसी भी चीज का कन्वर्जन इनजस्टिस में हो रहा है चीटिंग हो रही है फ्रॉड हो रहे हैं इमप्रॉपर कंडक्ट हो रहे हैं लॉ ब्रेक किए जा रहे हैं सिर्फ वो सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठा के लॉ ब्रेक किए जा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में फिर ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको डिसरिगार्ड कर देंगे उसको लिफ्ट करेंगे ये पर्टिकुलर पर्सन ये जो पर्टिकुलर पर्सन पर्सनैलिटीज का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा और कंपनी के काम के लिए उसके शेयर होल्डर्स को उसके मेंबर्स को ओनर को रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा और यही हमें सीखना है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वैसे तो कल हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे बट जैसे कॉर्पोरेट वेल के लिए हमने एक केस स्टडी देखी है वैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट के लिए हमें तीन चार अलग अलग केस स्टडीज डिस्कस करने हैं बिकॉज अलग अलग सिचुएशन है जहां पे ये अप्रोप्रिएट समझा गया कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करनी चाहिए अब वो सारे सिचुएशन क्या थे स्टोरीज क्या थी उसके पीछे का कंसेप्ट क्या था ये मेरा काम है याद रखना बेसिक्स में हम सिर्फ कंसेप्चुअल फोकस मेजर रख रहे हैं एग्जाम में क्या लिखना चाहिए नोट्स के कंटेंट में ये सारी चीजें वापस आएंगी इस हिसाब से कि आप उनको एग्जाम में लिख सको बट फिलहाल पहला बेसिक है सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये बेसिक्स का पर्पज आपको ये चीजें समझाना तो ध्यान रखना नाउ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इट मीन डिसरिगार्डिंग द सेपरेट लीगल डिस्टिंग एंटिटी ऑफ अ कंपनी की कंपनी का जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको डिसरिगार्ड करना उसको कंसिडर नहीं करना इफ अ कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इज मिस यूज अगर ये इसका मिस यूज कर रहे हैं कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ अ कंपनी तो अगर ये मिस हो रहा है तो कोर्ट इसको लिफ्ट करेंगे और शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा जाएगा इन फॉलोइंग कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल तो ये कुछ और जैसे सोलोमन सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ये केस था उसी तरीके से ये और भी कुछ लैंडमार्क केस स्टडीज है जहां पे ये डिसाइड हुआ है कि कॉर्पोरेट वेल का मिसयूज हुआ है तो उसको लिफ्ट करो तो अब ये क्या क्या सिचुएशंस थी वो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं याद रखना हर सिचुएशन में सर्टन बैकग्राउंड स्टोरी है वो समझाना मेरा काम है तो ये जो ब्लैंक स्पेस रखा है वहां मैं सर्टन चीजें लिखने वाला हूं और मैंने अदरवाइज भी बोला है कि ये बेसिक लेक्चर्स में आपको मेरे साथ साथ लिखना है सिर्फ बेसिक लेक्चर्स के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में ही दी है सो so देट आपको सपोर्ट रहे कि अगर आप कहीं कुछ चीज मिस करते हो रेगुलर नोट्स में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी बट जब तक बेसिक चल रहा है आपको साथ में लिखना एडवाइजेबल है लेट्स सी क्या दिया है चार अलग अलग केस स्टडीज है जिसमें से पहला है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब अगर रेवेन्यू इन द सेंस गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करें कि अगर कोई असेसी कोई पर्सन टैक्स इवेजन करता है मतलब टैक्स डुबाने के लिए टैक्स को अवॉइड करने के लिए अगर कोई पर्सन इस सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाता है तो हम इस सेपरेट लीगल एंटिटी को कंसिडर नहीं करेंगे और उसी के लिए जो केस लॉ है उसका साइटेशन दिया है सर दीन शॉ मेकनजी पेटिशन ये जो इनका केस था इस केस में ये प्रूव हुआ कि कोई तो भी मिसयूज हो रहा है और उससे गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू की चोरी हो रही है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू प्रोटेक्ट हो इसके लिए फिर ये कॉर्पोरेट वे लिफ्ट किया है तो होता क्या है एग्जैक्टली exactly, समझ लो कि ये सिचुएशन क्या है ये केस लॉ काफी पुराना है उस जो नंबर्स में यूज करने वाला हूँ इस चीज़ के लिए वो लिमिट्स जो आज है और उस वक्त थी अलग अलग थी बट कॉन्टेक्स्ट सेम है से फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि सर दिनचो मेकन जी ये जो पर्टिकुलर पर्सन है तो ये जो है मिस्टर डी मिस्टर डी इनका मेजर इनकम था इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि इनका जो टोटल इनकम था वो नॉर्मली था दस लाख रुपए दस लाख रुपए का ये इनकम अर्न करते थे अब दस लाख रुपए के इनकम पे जो भी टैक्सेशन आएगा वगैरह वगैरह एक्सेट्राउन उतना टैक्स उनको भरना था नॉर्मली नॉर्मली क्या होता मिस्टर डी हैव टू टैक्स ऑन इनकम ऑफ रुपीज टेन लाख दस लाख के इनकम पे उनको टैक्स पे करना था अब मिस्टर डी ये जो दीन शाह है इन्होंने नई टेक्निक कुछ ढूंढी उन्होंने एक लू फोल का फायदा उठाने की कोशिश की कि कॉर्पोरेट वेल well होता है सेपरेट होता है तो उन्होंने क्या किया ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये चार अलग अलग कंपनीज में डाइवर्ट कर दी मतलब क्या हुआ ध्यान रखना कि इन्होंने क्या किया ये जो उनका इन्वेस्टमेंट है उन्होंने कंपनीज इनकॉर्पोरेट की से फॉर एग्जाम्पल अलग अलग कंपनीज उन्होंने इनकॉर्पोरेट की पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड आर लिमिटेड एस लिमिटेड ये चार अलग अलग कंपनीज और इनके शेयर होल्डर जो है इनका शेयर होल्डर जो है वो है मिस्टर डी ये उनके शेयर होल्डर और उन्होंने ये सारे इन्वेस्टमेंट्स ये सारे इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज को ट्रांसफर कर दी एज अ शेयर कैपिटल आपने ये शेयर कैपिटल के रूल्स में फाउंडेशन लेवल पे सीखा है दैट शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश और अदर देन कैश तो इन सारे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दी अब इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करने की वजह से इनकम भी ट्रांसफर हो गया और जरूरी नहीं है कि ये इवनली ट्रांसफर हुआ होगा बट अब ये चेंज करने के बाद क्या हो गया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हर कंपनी में याद रखना प्रैक्टिकली एग्जैक्टली इक्वल नहीं हुआ था बस हम हमारे सिंपलिसिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल हो इसके लिए ये कर रहे कि पी का पी कंपनी पी लिमिटेड में आ गया रुपीज टू पॉइंट फाइव लैक्स क्यू कंपनी में रुपीज टू पॉइंट फाइव लैक्स आर कंपनी में रुपीज टू पॉइंट फाइव लैक्स और एस कंपनी में रुपीज टू पॉइंट फाइव लैक्स तो अब यहां ऐसा हो रहा है कि जो दस लाख का इनकम है वो इनकम हर कंपनी में डिवाइड हो गया टू पॉइंट फाइव लैक्स इच एंड ये जो टू पॉइंट फाइव लैक्स है इट इज विद इन द बेसिक एग्जाम्शन बेसिक एग्जाम्शन लिमिट बेसिक एग्जाम्शन लिमिट मतलब आपने इनकम टैक्स में मे भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ऑलरेडी नहीं पढ़ा होगा तो जब आप अपना आपका टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे कहीं से भी पढ़ो आपको टैक्स में वो बेसिक लिमिट वो जरूर सिखाएंगे कि अप टू थ्री लाख रुपीस तक का जो पार्ट है वहां पे आपको टैक्स नहीं देना है या अप टू फाइव लाख रुपीज तक का अभी तो फिलहाल ऐसा है कि पांच लाख रुपए से कम इनकम है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है पांच लाख से दस लाख का अगर है तो उसके ऊपर ट्वेंटी परसेंट देना है दस लाख से ज्यादा और इनकम आता है तो उसके ऊपर थर्टी परसेंट देना है इस तरीके के टैक्स प्रोविजन होते हैं तो पांच लाख रुपए के नीचे अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है मतलब उसको बोलते बेसिक एग्जम्पन लिमिट अब हुआ ये कि ये पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड आर लिमिटेड एस लिमिटेड इन सब का टैक्स लिमिट जो है विद इन द एग्जाम लिमिट है विच इज अब इसके ऊपर टैक्स पेड बाय ईच कंपनी टैक्स पेड बाय ईच कंपनी जीरो तो अगर आप अभी थोड़ा सा स्मार्टली समझ रहे हो तो बेसिकली जो ट्रिक थी वो ये थी कि अगर 10 लाख रुपए वो पर्सनल खुद का इनकम दिखाते तो उनको दस लाख रुपए पे टैक्स भरना पड़ता दस लाख रुपए के इनकम के ऊपर जो भी टैक्स भरना पड़ता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के अगर हम कैलकुलेशन देखें करंट कैलकुलेशन तो उसके हिसाब से इस पे एक लाख रुपए के आसपास का टैक्स आता था फॉर एग्जाम्पल दस लाख रुपए के ऊपर मैं अप्रोक्सली लि लिख रहा हूं अप्रोक्स इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप इनकम टैक्स में सीखोगे ही तो अप्रोक्स एक लाख रुपए का टैक्स उनको अदरवाइज गवर्नमेंट को देना पड़ता अगर वो खुद के नाम पे ही रखते बट उन्होंने आइडिया क्या चलाए कि चार अलग अलग कंपनीज बना के उनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हर कंपनी के लिए वो बेसिक एग्जाम के अंदर आ गया तो टोटल टैक्स जो एक्चुअली पे किया है राइट right? जो पे किया है 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 वो कितना है? जीरो जीरो हर कंपनी का टैक्स अदरवाइज अगर वो ये सेपरेशन नहीं करते कि पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड आर लिमिटेड एस लिमिटेड इन सब में इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट नहीं करते तो अदरवाइज उनको कितना टैक्स पे करना पड़ता था फॉर एग्जाम्पल एक लाख तो अब हो क्या रहा है कि ये जो कंपनी है कंपनी है यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज हुआ कि ये पैसा मतलब उनका ऐसा बोलना है कि हर कंपनी का पैसा अलग-अलग है और ये बेसिक एग्जंपशन में काउंट होना चाहिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉर्पोरेट वेल well का गलत फायदा उठा रहे इसलिए ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट की गई लिफ्ट की गई मतलब पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड आर लिमिटेड एस लिमिटेड दीज आर नॉट द सेपरेट लीगल एंटिटीज ये जो है नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज ये सेपरेट लीगल एंटिटीज नहीं है और इनका जो इनकम है इनकम अब ध्यान रखना तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी रिमूव करने से मतलब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने से क्या हो गया इनकम इनकम ऑफ पी क्यू आर एंड एस इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ मिस्टर डी ये मिस्टर डी का ही इनकम ट्रीट किया याद रखना जो कॉरपोरेट वेल well में हम पढ़ते हैं वो क्या है कि कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर अलग है कंपनी जो काम करेगी उसका शेयर होल्डर से लेना देना नहीं है बट इस केस में क्या हुआ कॉरपोरेट वेल लिफ्ट की गई मतलब जो कंपनी का इनकम है प्लीज रिमेंबर कंपनी का इनकम इज द इनकम ऑफ शेयर होल्डर ऐसा आया ultimate court का decision आया इसकी का का इसकी मतलब court ने separate legal entity को को कर कर दिया corporate well को lift कर दिया क्योंकि कंपनी के इनकम को शेयर होल्डर का इनकम ट्रीट किया गया और इसीलिए हम बोलते हैं कि यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी है और यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी फॉलो नहीं हो रहा है कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा रहा है बट इसके पीछे लॉजिकल रीजन है कि ये पर्सन इस कॉरपोरेट वेल well का गलत फायदा उठा रहा था गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज उससे कम हो रहे थे गलत तरीके से और इसीलिए कोर्ट ने डिसीजन लिया कि कॉरपोरेट वेल लिफ्ट होगा तो यह पहला केस है जहां पे हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के रेवेन्यू प्रोटेक्शन के लिए यह स्टेप उठाया गया अगला पार्ट बी टू प्रिवेंट फ्रॉड और इमप्रॉपर कंडक्ट गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉन अब फ्रॉड करने की कोशिश कर, की जा रही थी कैसे समझ लेना ध्यान से सुनना मिस्टर एच वाज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी वो कंपनी के एम्प्लॉय थे किसके गिलफोर्ड मोटर्स के जीएम कंपनी ऐसा लिख देता हूं जीएम कंपनी में वो एम्प्लॉय थे अब उन्होंने रिजाइन किया Normally, जब कंपनी से एम्प्लॉइज रिजाइन करते हैं तो नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट किए जाते हैं नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट मतलब ऐसा डिसाइड हुआ दैट मिस्टर एच विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ जी एम कंपनी लिमिटेड जीएम कंपनी लिमिटेड के कस्टमर्स वो सॉलिसिट नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट छोड़ते वक्त एग्रीमेंट किया आई होप आपने इस टाइप के एग्रीमेंट का रेफरेंस पहले भी लिया होगा आपको अगर याद होगा तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एटीन सेवनटी के जनरल कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन आपने पढ़े हैं और वहां पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी आती है दैट एग्रीमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड इसमें एक होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड आपने ऐसा पढ़ा होगा कहीं पे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड

अगर पहले वाला बिजनेस पहले वाला पर्सन दूसरे पे ये रिस्ट्रेन लगाता है तो ये वैलिड रह सकता है मतलब इवन दो ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड था तो भी ये एग्रीमेंट जो है वो वैलिड था ये वैलिड एग्रीमेंट था बट याद रखना ये एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था मिस्टर हॉन एंड गिलफर्ड मोटर कंपनी कि उन्होंने कंपनी छोड़ दी अब आप हमारे कस्टमर्स को सोलिसिट नहीं कर सकते ठीक है यहां तक आई होप आपको स्टोरी समझ गई होगी प्रॉब्लम यहां नहीं है प्रॉब्लम इसके आगे आने वाली है बट आई होप आपको यहां तक समझ में गया आ गया होगा कि एक आदमी किसी कंपनी में काम करता था उसने कंपनी कंपनी से जॉब में रिजाइन कर दिया टाटा बाय बाय बोल दिया क्योंकि उसको खुद का कुछ बिजनेस करना था सब बहुत सारे लोग करते बट कंपनी ने उस एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर आप हमारी कंपनी छोड़ के जाओगे तो हमारे ही कस्टमर मतलब हमारी कंपनी में काम कर रहे थे हमारे कस्टमर्स की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है बाहर जाके तुम उनको कन्विंस करोगे सोलिसिट करोगे तो हमारा बिजनेस तो जाएगा इसलिए उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट बनाया कि भाई यहां से बाहर जा मिस्टर एच को बोला कि तुम बाहर जाओ काम छोड़ दो बट आप हमारे कस्टमर्स को सोलिसिट नहीं कर सकते ऐसा एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हुआ जो कि वैलिड था ये यहां तक की स्टोरी है अब आएगा स्टोरी में ट्विस्ट अब ट्विस्ट ये आया कि मिस्टर एच को तो ये समझ गया कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से मिस्टर एच कैन नॉट वापस लिख रहा हूं मैं बट फिर भी स्टोरी क्लियर हो इसलिए मिस्टर एच कैन नॉट सॉलिसिट कस्टमर्स सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ जीएम कंपनी जीएम कंपनी लिमिटेड के वो नहीं कर सकते अब मिस्टर एच ने इस पे जुगाड़ लगाया जुगाड़ जुगाड़बंद लोग तो होते हैं मिस्टर एच ने क्या किया एक कंपनी बनाई कंपनी का नाम था कुछ भी नाम हो हम अभी यहां पे कंसीडर करें एच लिमिटेड एच मिस्टर एच फॉर्म्ड बनाया क्या एच लिमिटेड कंपनी बनाया एंड एच लिमिटेड कंपनी जो थी एच लिमिटेड स्टार्टेड सोलिसिटिंग कस्टमर्स ऑफ जीएम कंपनी लिमिटेड ध्यान से सुनना जरा क्या हो रहा है एच लिमिटेड कंपनी कस्टमर्स को सोलिसिट कर रही थी जीएम कंपनी की अब इस पे जीएम कंपनी को गुस्सा आ गया सिंपल सी बात है कि भाई तुमने, हमने तो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था याद रखना अब आमने सामने कौन कौन है स्टोरी समझ लेना आमने सामने कौन है जीएम कंपनी जनरल सॉरी जनरल मोटर्स नहीं गिलफर्ड मोटर्स गिल्फर्ड मोटर कंपनी और जो उनका एम्प्लॉय है मिस्टर एच उनके बीच में यह झगड़ा चल रहा है इमेजिन करके देखो एक्जेक्टली ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या एग्जैक्टली यही टॉपिक के हिसाब यही टॉपिक्स की वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कोर्ट्स को यही सब सुनना होता है और उनको क्लियर करना होता है जैसे कि मैंने बोला कि गिल्फर्ड मोटर्स ने अब ऑब्जेक्शन लिया एच लिमिटेड पे कि आप हमारे कस्टमर एच पे ऑब्जेक्शन लिया कि ये एच लिमिटेड के थ्रू आप हमारे कस्टमर सॉलिसिट कर रहे हो ये तो गलत है आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि आप हमारे कस्टमर सॉलिसिट नहीं कर सकते एच स्मार्ट था एच ने बोला कि कस्टमर्स मैं सॉलिसिट नहीं कर रहा हूं मिस्टर एच का जीएम जो थी गिलफर्ड मोटर उसका क्या ऑब्जेक्शन था कि मिस्टर एच कंपनी के कस्टमर्स को सोलिसिट कर रहे हैं, जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए ऐसा एग्रीमेंट कंपनी और मिस्टर एच के बीच में हुआ है बट मिस्टर एच स्मार्ट था उसने बोला कि एग्रीमेंट मिस्टर एच और गिलफर्ड मोटर्स का है बट जो कस्टमर को सोलिसिट करने वाला पर्सन है वो मिस्टर एच नहीं है कस्टमर्स को सोलिसिट कौन कर रहा है ध्यान दो यहाँ पे कस्टमर्स को सॉलिसिट कौन कर रहा है एच लिमिटेड और मिस्टर एच ने बड़ी हुशारी के साथ एच फॉर हुशार बड़ी हुशारी के साथ बोल दिया कि कि एच एच लिमिटेड अलग अलग है और H अलग है और और मिस्टर वो बोलने लग गया कि तुमने सेपरेट लीगल एंटिटी तो पढ़ा होगा सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड तो पढ़ा होगा और जिसके हिसाब से कंपनी और शेयर होल्डर का आपस में कोई लेना देना नहीं कंपनी अलग पर्सन है शेयर होल्डर अलग पर्सन है मतलब उसके हिसाब से उसने बोला कि एच लिमिटेड ये अलग पर्सन है और मैं मिस्टर एच अलग हूं तो मुझे कंपनी के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता इसका मतलब यह हुआ कि मैं मेरा एग्रीमेंट आपके साथ जो किया था वो कर रहा हूं। मैंने एच लिमिटेड मैं 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 बट यही चीज कोर्ट ने पकड़ी ये जो उसका ओवर स्मार्टनेस था ये समझा और सिंपल सी बात है कि ये फ्रॉड करना था मिस प्रॉपर इम्रॉपर कंडक्ट था सिर्फ एक एग्रीमेंट जो वैलिड एग्रीमेंट था याद रखना यहाँ पे मैंने लिखवाया कि ये एग्रीमेंट वैलिड था एक वैलिड एग्रीमेंट जिसके उ, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से एच की कुछ रिस्पांसिबिलिटी थी एच की लीगल लाइबिलिटी थी या रादर लीगल रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट ना करें और इस लीगल वैलिड एग्रीमेंट को बाईपास करने के लिए उसको उस लॉ को फॉलो ना करवाने के लिए उसने क्या किया एक कंपनी बनाई मतलब ही वो कंपनी के एच लिमिटेड इस कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज़ कर रहा था ताकि उसको अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल जो उसने एग्रीमेंट किया है वो फुलफिल ना करना पड़े इसको बाईपास करने के लिए उसने सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज़ किया और यही चीज ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कॉरपोरेट वेल लिफ्ट की मतलब कॉरपोरेट वेल well ने बोल दिया कि मिस्टर एच एंड एच लिमिटेड एच एंड एच लिमिटेड आर द सेम पर्सनॉर्मल रूल वैसे नहीं है नॉर्मल रूल का है यहाँ पे मिस यूज कर, कर रहा है और इसीलिए कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो एच लिमिटेड कर रहा है उसके लिए एच ही रिस्पॉन्सिबल है मतलब ये जो ओरिजिनल एक वैलिड एग्रीमेंट है वो उसने ब्रेक किया है और इस तरीके से वो कंपनी के कस्टमर्स को गिल्फर्ड मोटर के कस्टमर्स को कन्विंस नहीं कर सकता सोलिसिट नहीं कर सकता ये पार्ट आया आपका टू प्रिवेंट द फ्रॉड और इमप्रॉपर कंडक्ट क्योंकि ये फ्रॉड था तुम एक जगह एग्रीमेंट बनाते हो कि हम आपके कस्टमर सॉलिसिट नहीं करेंगे और दूसरी जगह कंपनी बना ली सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठा के वही चीज कर रहे हो जो करने के लिए मना किया है और ऑलरेडी तुमने भी उसके लिए एग्रीमेंट किया है बट ऐसा करोगे तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगी और इस तरीके से मिसकंडक्ट या फ्रॉड करना कोर्ट अलाउड नहीं करेगा तो ध्यान रखना हम कॉर्पोरेट वेल well की कंसेप्ट हमने कल डिस्कस की थी जहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बट उसी वक्त ये भी है ये भी बहुत जरूरी है कि कोई उसका मिस ना करे तो अगर करता है तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होगी और कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को डिसरिगार्ड कर सकता है तो पहले केस में जो हमने इसके पहले जो पर्टिकुलर केस देखा था दीन शाव मेकन्जी वाला जहाँ पे वो टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे ये किसी एग्रीमेंट में फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था और इन रीजन की वजह से ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगला केस स्टडी टू डिटरमाइन वेदर कंपनी कंपनी इज एनिमी इज एनिमी डेलमर कंपनी लिमिटेड कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी लिमिटेड अब समझ लो कि इसमें क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है बट ये सब सिचुएशन समझने के लिए फिर से एक बार आपको फाउंडेशन लेवल का एक टॉपिक थोड़ा सा लगेगा जैसे पिछले केस लॉ में हमको एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड वगैरह का हमने रेफरेंस लिया वैसे फाउंडेशन में आपने एक पर्टिकुलर टर्म पढ़ा होगा अलीन एनिमी या एलियन एनिमी कोई अलीन भी बोलता है एलियन भी बेटर है तो आपने यह देखा होगा कि अगर एलियन एनिमी है मतलब अगर वॉर सिचुएशंस है तो वॉर सिचुएशंस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट उस कंट्री के साथ हुआ होगा से फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए एंड कंट्री बी ये दो कंट्री है इनके लोगों इनके बीच में वॉर अगर चल रहा है अगर इनके बीच में वॉर चल रहा है इधर उधर ही जा रहा है वो तो ए और बी कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है तो इनके सिटीजन ने जितने भी एग्रीमेंट किए होंगे वो वॉइड होंगे वॉइड एब इनिशियो होंगे ऐसा आपने कहीं पे सुना होगा वॉर में ऐसी सिचुएशंस आती है कि जहां कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट सही गलत नहीं है मतलब हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ सही हो फिर भी वॉइड दिए गए क्यों टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री इंटरेस्ट ऑफ कंट्री कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि इन सारे एग्रीमेंट को वाइड ट्रीट किया तो भी सही रहेगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू में स्पेसिफिकली ऐसा प्रोविजन है हमें इसी टाइप इसी, इसी की चीज से डील करना है इसलिए मैंने आपको वो रूल रिवाइज करवाया जो आपने डेफिनेटली फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि अगर कहीं पे आपने ऐसी कंट्री के साथ कोई किसी भी कंट्री फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बाद में उन कंट्रीज के साथ वॉर होता है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड रहेंगे मतलब जब शुरू हुआ था तब वैलिड था जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब वैलिड था बट वॉर होने जाने की वजह से वो वाइड बन जाते हैं क्योंकि हमें कंट्री की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है कंट्री को प्रोटेक्ट करना जरूरी है तो सिमिलरली ऐसी ऐसी ही बेस पे इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ क्यों ये हुआ इस ये प्रोविजन ऐसा क्यों है उसी बेसिस पे हमारा केस लॉ है कि कोई कंपनी थी जो इनकॉर्पोरेट की गई इंग्लैंड में तो इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई गई से फॉर एग्जांपल आर लिमिटेड यह कंपनी बनी इंग्लैंड में याद रखना इनकॉर्पोरेटेड इंग्लैंड में हुआ इस आर लिमिटेड का शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल ज हेल्ड बाय जर्मन कंपनी तो यहां पे जर्मनी में कोई कंपनी थी से फॉर एग्जांपल के लिमिटेड वैसे वहां लिमिटेड ये वर्ड्स नहीं होते बट हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे तो आर लिमिटेड का मेजॉरिटी कैपिटल जो है वो के लिमिटेड के पास था के लिमिटेड बेसिकली होल्डिंग हो गया आर लिमिटेड सब्सिडरी हो गया इवन ऑल डायरेक्टर्स ऑल डायरेक्टर्स ऑफ आर लिमिटेड वाज जर्मन सिटीजन ये जर्मन सिटीजन थे अब जब वर्ल्ड वॉर वन आया ये तो आपने हिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ा होगा वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर वन अब ये इंग्लैंड और जर्मनी जो थे ये एक दूसरे के अपोजिशन अपोजिट कंट्री अपोजिशन कंट्रीज थे अब ऐसा था कि ये जो आर लिमिटेड बनाई कहाँ गई है इंग्लैंड में इंग्लैंड में बनाई गई है बट किसी ने ये अपोज किया दैट आर लिमिटेड याद रखना आर लिमिटेड शुड बी शुड बी ट्रीटेड एज एनिमी कंपनी इस आर लिमिटेड को एनिमी कंपनी डिक्लेयर करो ऐसा किसी ने बोला अब आर लिमिटेड का ये बोलना था जब ये केस कोर्ट में गया कोर्ट लॉ के सामने गया कोर्ट ऑफ लॉ के सामने गया तो याद रखना ऑब्जेक्शन क्या है समझ लो कि किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आर लिमिटेड ये कंपनी भले ही इंग्लैंड में बनी है बट इसके सारे शेयर होल्डर्स कहाँ के है जर्मनी के मतलब इसकी पूरी शेयर कैपिटल इसका जर्मनी से आता है इसके डायरेक्टर भी सारे जर्मन है मतलब ही ये जर्मनी की कंपनी हुई और इसका क्या करो इसको एनिमी डिक्लेयर करो और उसका इन, मतलब इंग्लैंड के बीच में जो भी उनके ट्रांजेक्शन उनको करो, बंद कराओ बेसिकली दुकान पे ताला लगाओ क्योंकि ये दुश्मन है सिंपल सी बात है किसी का बोलना था कि आर लिमिटेड दुश्मन है क्योंकि उसका कैपिटल किसके पास है के कंपनी के पास और के कंपनी कहां से है जर्मन के कंपनी कहां बनाई गई है जर्मनी के पास अब आर लिमिटेड की साइड सुनो ये तो अपोजिशन वाली साइड होगी आर लिमिटेड की साइड का बोलना है फिर से वो जैसे कहा जाएंगे सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर कॉर्पोरेट वेल के ऊपर कि भाई आर लिमिटेड अलग है और आर लिमिटेड का शेयर होल्डर अलग है आर लिमिटेड ये कंपनी और के लिमिटेड उसका शेयर होल्डर है इन दोनों को हम एक ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि हमने पढ़ा है सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी में कि क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि शेयर होल्डर अलग है और उसके शेयर होल्डर अलग है और कंपनी अलग है कंपनी का अपना स्टेटस है तो आर लिमिटेड को एनिमी ट्रीट नहीं करना चाहिए क्योंकि आर लिमिटेड अलग है और उसके शेयर होल्डर के लिमिटेड कंपनी अलग है तो ऐसा नहीं करना चाहिए बट कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर कंपनी का स्टेटस जानना है स्पेशली इन अ वॉर टाइम वॉर टाइम जब ये वॉर चल रहा है सीरियस वॉर कंसिडरेशन हो रहे वॉर सिचुएशन आते हैं तो ऐसे टाइम में कंपनी का स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए मतलब ये कंपनी एनिमी है या नहीं है टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ कंपनी अगर आपने ये ऊपर वापस में टाइटल पढ़ता हूं इसका टू डिटरमाइन वेदर अ कंपनी इज अ एनिमी अब देखो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन का क्या दोस्त क्या दुश्मन आर्टिफिशियल पर्सन है उसके थोड़ी ना हाथ पैर है कि वो किसी को मारेगा उसके थोड़ी हाथ पैर है मुंह है जो किसी को गाली देगा और दुश्मनी कर लेगा नहीं नॉर्मल लॉजिकली सोचा जाए तो आर्टिफिशियल पर्सन का ना ना कोई दोस्त हो सकता है ना दुश्मन हो सकता है बट दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट देश को प्रोटेक्ट करने की जरूरी है अगर देश को प्रोटेक्ट करने की बात है और हम ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है तो वो कंपनी हमारे देश में बनाई बट उसके शेयर होल्डर दूसरे कंपनी दूसरे देश से है और ऐसा देश जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है तो हम उस कंपनी को एनिमी ट्रीट करेंगे क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स हमारे एनिमी हैं तो हुआ क्या सेपरेट लीगल एंटिटी लिफ्ट हो गई कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गया शेयर होल्डर एनिमी तो कंपनी भी एनिमी तो क्या किया हमने शेयर होल्डर और कंपनी को हमने अलग-अलग ट्रीट नहीं किया जो स्टेटस शेयर होल्डर का था वही स्टेटस कंपनी को दे दिया हमने उन दोनों को

लिफ्ट हो गई या कॉर्पोरेट लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी को कंसिडर नहीं किया कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ फिर आगे जाके अगर हम देखते हैं टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन वेलफेयर लेजिस्लेशन मतलब जो लॉज बनाए जाते हैं लेबर को बोलो या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं उन लॉज की हम बात कर रहे हैं सी वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो ये एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी थी और वर्कमैन जो थे मतलब वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज उनका ये आपस में चल ये पर्टिकुलर सिचुएशन आया था कि जहां पे कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठा रहा था ताकि उसको बोनस के रूल्स फॉलो ना करने पड़े बोनस एक्ट में जो बोनस देना कंपलसरी होता है वो ना देना पड़े इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि एक नॉर्मल प्रोविजन होता है दैट कंपनी शुड पे जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी लिखने से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे मिनिमम बोनस मिनिमम बोनस परसेंट ऑफ प्रॉफिट मिनिमम और मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट होता है बोनस एक्ट के प्रोविजन है अलग अलग जगह आपको कभी बोनस एक्ट आया तो आएगा तो अभी के लिए इतना ही समझ लो तो अब यह जो कंपनी थी एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी थी अब इसने से फॉर एग्जाम्पल इसका जो नेट प्रॉफिट है ये है फॉर एग्जाम्पल टेन करोड़ उस हिसाब से अगर एट परसेंट का मिनिमम बोनस मिनिमम बोनस जो एट परसेंट देना मिनिमम बोनस देना है उनको इतना मिनिमम बोनस देना है मतलब अभी याद रखना कि आठ परसेंट देना है मतलब दस करोड़ के आठ परसेंट आएंगे आपके एक्स इतना बोनस उनका पेबल हो सकता था नॉर्मली नॉर्मल सरकमस्टिस नॉर्मल सरकमस्टांसेस में ऐसा हो सकता था अब इन्होंने भी कुछ मिसयूज़ करने की कोशिश की उन्होंने एक कंपनी सब्सिडरी बनाई एक कंपनी बनाई एआरआई लिमिटेड एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई और अपने इन्वेस्टमेंट इस सब्सिडरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए अपने कुछ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए तो उस इन्वेस्टमेंट का इनकम अब सब्सिडरी के नाम पे आने लग गया मतलब क्या हुआ कि ये जो 10 करोड़ का प्रॉफिट था ये डिवाइड हो गया ये 10 करोड़ का प्रॉफिट डिवाइड हो गया बिटवीन ए आर आई लिमिटेड एंड उसकी सब्सिडरी कंपनी और ये कुछ तर, इस तरीके से हो गया कि दस करोड़ में से, से फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि यहां पर दो करोड़ का इनकम दिख रहा था और बाकी का आठ करोड़ जो है वो सब्सिडरी में जा रहा था वहां पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं था छोटी फॉर्म थी छोटे नाम दिखाया था उतने एम्प्लॉइज नहीं दिखाए एम्प्लॉय की लिमिट भी होती है कि एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में इससे ज्यादा एम्प्लॉज है तो एक्ट एप्लीकेबल रहेगा वगैरह ऐसा बोनस के अलग अलग रूल है बट मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बेसिकली जो उनको दस करोड़ का आठ परसेंट देना पड़ रहा था अब वो दो करोड़ का आठ परसेंट बोनस में दे रहे थे विच इज ओनली वन पॉइंट सॉरी विच इज ओनली 16 lakhs जो अदरवाइज 10 लाख की लाइबिलिटी आ सकती थी सिर्फ 16 लाख पे हो गया उतना ही बोनस वो अब दे रहे थे क्यों क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए सो दैट इनकम सब्सिडरी में चला जाए फिर ये जितने भी वर्कर्स थे वो कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में गए और कोर्ट को उन्होंने बोला कि यह कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी का मिस यूज कर रहे हैं फिर कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया और इनकम ऑफ सब्सिडरी इनकम ऑफ सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है मतलब ही क्या हो गया याद रखना कंपनी का इनकम था सब्सिडरी कंपनी का इनकम उसके ओनर पर डाल दिया उसका ओनर कौन था एआरआई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी तो सब्सिडरी का इनकम लिमिटेड पे शिफ्ट कर दिया कि कंपनी का इनकम उसके शेयर होल्डर को दे दिया सेपरेट लीगल एंटिटी को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज करके सब्सिडरी बना के वो क्या करना चाहते थे वो कॉन्ट्रावेंशन करना चाहते थे वेलफेयर लेजिस्लेशन को कि लेबर्स के वेलफेयर के लिए जो एक लॉ बनाया गया था उसको वो बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे जैसे में जी टैक्स बचाने के लिए कर रहा था वैसे ही इन्होंने बोनस ज्यादा ना देना पड़े इसके लिए उन्होंने ये पर्टिकुलर ट्रिक चलाई तो ये मिस हो रहा है तो कोर्ट ये ऑब्जर्व करेगा और कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा उसको डिसरिगार्ड किया गया तो ये जो पार्ट है ये है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कॉर्पोरेट वेल एक कंसेप्ट है फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कैसे चलता है वो हमने इस सेशन में डिस्कस किया फिर इसके बाद अगर आगे हम पढ़ेंगे तो यहां से आगे अब ये बेसिक और प्रिलिमिनरी पार्ट हमारा डिस्कस हो चुका है इसके आगे जो पर्टिकुलर पार्ट हमको पढ़ने के लिए आएगा वो है टाइप्स ऑफ कंपनी कंपनी के अलग अलग टाइप्स हमको डिस्कस करने हैं अब ये अलग अलग टाइप जो आपको कंपनी के दिए हैं ये हम सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर काफी बड़ा डिस्कशन हो सकता है प्लीज ध्यान रखना जब तक ये बेसिक सेशन चल रहे जैसे पहले दो सेशन एक घंटे के आसपास के थे ये सेशन हमारा अराउंड से फॉर एक्जाम्पल फोर्टी मिनट्स के आसपास का ही है थर्टी फाइव फोर्टी टू थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स का तो जहां जहाँ अप्रोप्रिएट कंसेप्चुअल डिस्कशन खत्म होगा वहाँ मैं ब्रेक करूंगा अगर बहुत क्योंकि आगे का डिस्कशन और ज्यादा लंबा हो जाएगा और कंटिन्यूटी में इतने सारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ हो सकती है अगर बहुत और थोड़े छोटे सेशन हो जाते तो भले हम उनको दो सेशन में ब्रेक करेंगे बट जरूरी है कि आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ पाओ तो इसी रीज़न की वजह से ये जो थर्ड सेशन है आपका बेसिक का थर्ड सेशन हम जल्दी खत्म करें अगले सेशन में हमें टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करना है जिसमें पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट के कुछ कैटेगरीज इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन हमारा कल होने वाला है अगले सेशन में और इसीलिए इस सेशन को हम अभी यहाँ ब्रेक कर रहे हैं बाकी जो अगला बेसिक का सेशन रहेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे और वहां पे हम नया टॉपिक ही स्टार्ट करें जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी इसमें भी बहुत सारा पार्ट आपको फाउंडेशन में था बट एक्सपेक्टेड है कि आप ये बेसिक अच्छे से पढ़ो ये हमें आगे बहुत काम आएंगे सभी so, के लिए इतना ही बाकी का बाद में थैंक यू